कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। निकाय चुनाव चल रहे हैं और इसके बाद में यदि हम बात करें, अगले साल विधानसभा के चुनाव भी आना है, मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है। कुछ लोग चुनाव जब खड़े होते हैं तो जीत जाते हैं, कुछ हार जाते हैं। सवाल ये उठता है कि लोग जीतते कैसे हैं और हार क्यों जाते हैं। जब हम इस बात पर विचार करते हैं तो एक रणनीति की आवश्यकता होती है। जो लोग रणनीति बनाकर एक प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ते हैं वो अधिकतर चुनाव जीत जाते हैं, और जो बिना रणनीति के लड़ते हैं, बिना प्लानिंग के लड़ते हैं, वो हार जाते हैं। आखिर क्या किया जाए, कैसे आप चुनाव की तैयारी करें, उसका मैनेजमेंट कैसे करें, उसका एग्जीक्यूशन करें कैसे करें, बजटिंग कैसे हो, कितने कम खर्चे में आप चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, और जब चुनाव जीत जाते हैं या हार जाते हैं उसके बाद में एक आकलन भी होना चाहिए कि आखिर क्या कारण रहा चुनाव जीतने का और हारने का। इस वक्त हमारे साथ में एक शख्स मौजूद हैं जो चुनावी रणनीतिकार हैं, चुनावी प्लानिंग करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ऐसे चुनाव लड़ा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्मल कासलीवाल जी की, जो हमारे साथ में मौजूद हैं। और आपकी खासियत ये है कि आप चुनाव की कागजों पर प्लानिंग करते हैं, उसकी बाकायदा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे मतदाता तक पहुंचा जाएगा, कैसे उनसे गुहार की जाएगी वोटों की, कितने कम खर्च में आप चुनाव लड़ पाएंगे और उसके बाद में चुनाव जीतने का प्लानिंग क्या होगी। निर्मल जी, बहुत स्वागत है आपका साधना के। धन्यवाद दीक्षित साहब, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए कि चुनाव आपसे बातचीत करते हुए एक बात समझ में आई कि चुनाव की प्लानिंग बाकायदा कागजों पर होती है, उसके बाद में चुनाव लड़ा जाता है। हम तो समझते थे कि भाई चुनाव कोई व्यक्ति है उसने उसको आर्थिक जो है सक्षमता होनी चाहिए, वो आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए तो वो चुनाव लड़ सकता है। क्या किया जाए, यदि कोई व्यक्ति है उसे चुनाव लड़ना है तो निर्मल कासलीवाल जी के पास में आएगा तो उसे क्या फायदा होगा, आप उसे क्या दे पाएंगे? मेरा यह प्रयास होगा कि जिस विधानसभा से या जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है उसका पूरा पेपर प्लान के बाद में उस क्षेत्र का फील्ड प्लान के बाद में उसका एजुकेशन प्लान, और फिर फाइनेंस प्लान, और फिर उसके बाद में होता है सिलेक्शन ऑफ द पर्सन, व्यक्ति का चयन जी, और फिर टाइम मैनेजमेंट, और इन सब के बाद में होता है कि जिसका सिलेक्शन किया है उसका फीडबैक जी। अगर बिफोर इलेक्शन अगर हमको फीडबैक मिल जाता है तो इसका मतलब है कि हमने सिलेक्शन सही किया है, और सही सिलेक्शन पे रिजल्ट की मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जी। आप कब से ये चुनावी रणनीति बना रहे हैं और कितने साल से आप लोगों को ये लाभ देते आए हैं? सबसे पहले इंदौर से जब होमिदा जी के अगेंस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री गृह मंत्री प्रकाश सिंह जी सेठी ने चुनाव इंदौर से लड़ा जी, तो उन्होंने उनके दामाद अशोक पाटनी जी के माध्यम से, चूंकि अशोक पाटनी जी हमारे मित्र थे जी, उनके माध्यम से उन्होंने मुझे जोड़ा और फिर मैंने वहां पर अहम भूमिका अदा की, वहां से मेरे चुनाव का बिगुल स्टार्ट किया। उसके बाद में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें आपने रणनीति बनाई और वो चुनाव जीते? इसमें विशेष रूप से चंद्रशेखर जी व्यास जी, रामलाल बल्लू यादव भैया, चंद्रशेखर व्यास सत्यनारायण पटेल के अगेंस्ट, जो सत्यनारायण पटेल नहीं, शायद सत्यनारायण सत्तन जी के अगेंस्ट लड़े थे जी हाँ। उसके बाद में रामलाल बल्लू यादव जी, अशोक शुक्ला जी, ऐसे कई पार्षद और कई लोगों के चुनाव का मैंने प्लान किया है जी, और उनको मैंने अपने जितनी मेरी क्षमता थी मैंने उनको गाइड करने का प्रयास किया है जी। और अभी भी कांग्रेस पार्टी के अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आते हैं जी, तो मैं उनको अपनी जितनी भी क्षमता मेरी योग्यता है मैं देने का प्रयास करता हूँ जी जी। अब यदि कोई व्यक्ति आपके पास में आता है तो बहुत सीधा सवाल यह है कि वो आपके पास में क्यों आए, उसे क्या क्या लाभ होगा? लाभ तो मैंने आपसे जैसा जिक्र किया कि पेपर प्लान, फील्ड प्लान, फाइनेंस प्लान, ये सब चीजें अगर सिस्टम से होती है जी, तो कम एनर्जी में, कम खर्च में, कम समय में अधिकतम सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है जी जी जी। पेपर प्लान और ये सब बनाने से उम्मीदवार जीते का ये आवश्यक नहीं है जी हाँ, लेकिन उसका अगर उपयोग करेगा तो उसकी एनर्जी और सब उसमें बचत होगी एक बात। दूसरा, जीत जो है उम्मीदवार की उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, उसका एरिया का क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका
सब जो सिस्टम है वो क्या है, उसका रिलेशन पार्टी में क्या है, कार्यकर्ता उसके क्या है, बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है। मैं सीधे से बात करूं तो यदि कोई विधायक का चुनाव लड़ना है किसी को आपके पास में आएगा तो आप उसे क्या क्या राय देंगे, यही जो मैंने किसी आपसे स्पेसिफिक एरिया की हम बात करें। क्या होता है, ये एक सिस्टम है, जी वो सिस्टम इंदौर के किसी भी विधानसभा का हो चाहे मध्य प्रदेश से किसी विधानसभा का हो, एक ही सिस्टम होता है। सिस्टम तो सिस्टम काम करता है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, मध्य प्रदेश का हो कि जबलपुर का हो, जी फर्क इतना पड़ता है कि वहां प्लान बनाने में वहां का एटमॉस्फेयर क्या रहा है, वहां के मतदाताओं का पिछले 10-15 साल में रुझान क्या रहा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स स्टडी हैं, पूरी होती है। उसका परिसीमन क्या है, जी फिर वो कौन से तरह का इलाका है, जी क्या व्यापारियों का इलाका है जी या माइनॉरिटी का इलाका है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, वो सब जी प्लान का प्लानिंग का पार्ट है। जी अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें और फाइनेंस की बात करें तो क्या आप, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, क्या उसको आप ये गाइड करते हैं कि जो खर्चा है इस तरह से किया जाना चाहिए? वो प्लानिंग के पार्ट है जी कि हमें क्या करना चाहिए, शुरू की में टिकट मिलने के बाद में हमें पहले हाफ में क्या करना चाहिए, बीच में क्या करना चाहिए और लास्ट में क्या करना चाहिए, जी ये बिल्कुल 2020 की तरह है जी कि हमें पहले के कैसे ओवर खेलना चाहिए, जी बीच में उस बात को मेंटेन करना चाहिए जी और आखिरी के अंदर जब हमको मालूम है हमारे पास तो 4 ही 5 ओवर शेष है जी तो फिर हमें फिर किस तरह से लड़ना करना चाहिए, वो 2020 में आप देखिए। जी तो क्या ये मान लिया जाए कि आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपने उसे प्लान बना के दे दिया तो वो सब कुछ तय हो गया, या साथ में जब तक उस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन पार्ट है उसमें साथ में आप नहीं होंगे तब वो कैसे हो पाएगा? तो क्या लगता है कि आप व्यक्ति के साथ में शुरू से जुड़ते हैं और लास्ट तक जुड़े रहते हैं? देखिए साहब, डिपेंड ये करता है कि जिस व्यक्ति ने अपने को जोड़ा है जी वो अपने को कहाँ तक जोड़ता है, जी अपन ने बना के दे दिया उसके बाद में उसने अपने आप से स्टार्ट किया तो जी ठीक है, वो उसकी जी मर्जी की डिपेंड बात है, करता है। पर ये बात जरा बराबर है कि पेपर को बनाना और पेपर को एग्जीक्यूट करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये वैसा ही है कि लॉ की किताब हमारे लाइब्रेरी में है जी तो हम वहीं पढ़ सकते हैं, कॉलेज क्यों जाते हैं, जी बिल्कुल तो ये वही सिस्टम है, इस जी तरह से हम जी चुनाव जी का प्लान करते हैं। तो आप एग्जीक्यूट करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, आप एग्जीक्यूट करते हैं, आप बजटिंग करते हैं, आप मैनेजमेंट करते हैं, तो क्या ये तय मान लिया जाए यदि कोई प्रत्याशी आपके पास में आता है तो वो ये मान ले कि वो आपके हिसाब से चलता है तो चुनाव जीत जाएगा? नहीं, जीत हार का इससे कोई संबंध नहीं है, जी जीत हार में बहुत सारे फैक्टर्स जैसा मैंने आपसे पहले जिक्र किया है, जी देखिए साहब बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, पर ये महत्वपूर्ण फैक्टर्स है, अगर इस फैक्टर को उपयोग किया गया तो मैंने जैसा आपसे कहा कि कम एनर्जी कम समय में कम खर्च में अधिकतम रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा। ये बात पक्की है। जी आप मूल रूप से कांग्रेसी हैं, जहाँ तक हम मेरी समझते विचारधारा हैं कांग्रेस की है, बराबर कांग्रेसी विचारधारा है। इस वक्त अगर हम कांग्रेस की बात करें, क्या कमियाँ आई हैं? कांग्रेस की पार्टी 40 साल तक इस देश में राज किया, अब छिन्न भिन्न दिखाई देती है, लोग वो रुतबा कांग्रेस की वो जो पेट है वो नहीं रही, इसका कारण आप क्या मानते देखिए हैं? साहब, मैं चुनाव के अंदर जब चुनाव होते हैं वहां तक रहता हूँ, उसके जी बाद में चुनाव में किसी राजनीतिक दल से मेरा संबंध ज्यादा रहता नहीं है, जी मैं मध्य प्रदेश की या देश की राजनीति पे यहाँ पे चर्चा करने के लिए मैं सक्षम भी नहीं हूँ जी और सक्षम हम सिर्फ एक, चूंकि आप रणनीतिकार हैं, हाँ आपको जब आप किसी पार्टी जुड़े होते हैं तो आपको पता होता है कि ये कमियां हैं ये अच्छाइयां हैं, इस ढंग से आप ठीक हो सकते हैं। मैंने क्या कहा साहब, ये जी प्रदेश लेके जो बड़े बड़े हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं जी ये उनका सब्जेक्ट है, जी मैं उस अपने आप को उस अधिकार क्षेत्र से बाहर समझता हूँ, जी ये चर्चा अगर मुझसे वो अंदर कमरे में बैठ के बात तो आप करेंगे कुछ तो सुझाव देंगे, मैं उनको सजा दूंगा, तो आप सलाह सुझाव दूंगा, देंगे? जी लेकिन मेरे को अभी इस वक्त में आपके चैनल के माध्यम से इस तरह की बात करने का मेरा पास अधिकार भी नहीं अधिकार है नहीं और है मैं बोलूंगा भी और नहीं, शायद गलत उसका मैसेज भी मैसेज जाएगा। जा सकता है। जी 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 यस सर, बहरहाल अभी इस वक्त निकाय चुनाव चल रहे हैं और इंदौर शहर के आप बाशिंदे हैं, हम भी इंदौर शहर के ही हैं, इंदौर शहर के लोगों की तासीर क्या है? क्योंकि आपने बहुत अंदर जाके आप सालों से स्टडी करते रहे हैं, इंदौर शहर के लोग किस तरह के व्यक्ति को देखना चाहते हैं अपने नेता के रूप में? इंदौर शहर ने कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ पर कई समय तक राज किया है, जी नागरिक समिति के नाम से भूमिदास जी का भी एक छत्र शासन पूरे देश में रहा है इंदौर के नेतृत्व तो करते में, जी इसके बाद में कांग्रेस ने कई समय तक राज किया, जी जिस विधानसभा दो के अंदर अभी इतने हजारों वोट से जीतते थे वो विधानसभा में कांग्रेस का एक छत्र शासन था, चाहे जी वो गंगाराम तिवारी हों, चाहे राम सिंह भाई रहे हों, जी कोई भी रहे हों, जी चाहे सूर्य सेठ रहे हों, जी तो मतदाता क्या बेस्ट हो सकता है जी उसको चिंतन करता है, जी और फिर चुनाव के अंदर निकाय में चुनाव के अंदर तीन फैक्टर काम कर रहे हैं, जी
एक तो है जाति और धर्म के आधार पर, दूसरा व्यक्तिगत संपर्क, बिल्कुल और तीसरा पार्टी की पॉलिसी। जी बिल्कुल है। जहां तक निकाय के चुनाव है, जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस समय में व्यक्ति प्रदेश लेवल की स्थिति क्या है उसको लेकर निर्णय करता है, और जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो मतदाता का जो रुझान है वो एक अलग तरीके का होगा, क्योंकि राष्ट्र की नीति बनती है वहां से। बिल्कुल तो इसलिए कोई भी चीज में किसी के बारे में कहें कि ये शहर का मतदाता इस प्रकार से हमेशा करता आ रहा है ऐसा तो नहीं ये है ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। जी, समय के साथ से बदलाव आता है उसके स्वाभाविक अंदर। है, जी अगर आपको नेशनल लेवल पे अगर कोई तय करना है तो नेशनल लेवल की बात होगी। ये कितना सही है जो लोगों के आम बात दिमाग में घर कर गई है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पैसा आपका, आर्थिक रूप से आप सक्षम नहीं है तो आप राजनीति में आने का प्लान ना करें, क्या ऐसा सच है? ऐसा मैं तो नहीं मानता हूं, जी क्योंकि एक विधानसभा में सुरेश सेठ साहब ने ऐसा भी चुनाव लड़ा है जिसके अंदर उनके बाद ना डंडे झंडे बैनर पोस्टर क्वेश्चन सब निर्दलित थे जी और वो चुनाव जीते। जी सवाल ये होता है कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसका प्रभाव कितना है, बिल्कुल उसका व्यक्तित्व क्या है, जी उसका समर्पण क्या है, जी उसका संपर्क क्या है, बिल्कुल ये उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल अगर उसका ये सब चीजें हैं तो जी फिर पैसे की जरूरत ही नहीं आवश्यकता ही नहीं है। है, लेकिन बहुत कम बहुत कम पैसे की आवश्यकता है। मिनिमम खर्च पे काम होता है। जी एक अंतिम सवाल है कि सोशल मीडिया, अब ये कहा जाता है कि यदि सोशल मीडिया का उपयोग आप नहीं कर रहे हैं, आपको उसका सेंस नहीं है, तो चुनाव जीतना असंभव है, क्योंकि आम जो युवा है वो उसके हाथ में मोबाइल है, वो सोशल मीडिया पर ही वो देख रहा है कि आप कितना व्यक्तित्व है आपका, आपके क्या विचार हैं। क्या लगता है सोशल मीडिया एक आजकल इसके बिना चुनाव लड़ना संभव है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जी ये इसका भी प्लान हम करते हैं जी कि कितना और कब कैसे करना है। जी अगर हमको टिकट मिला है और उसके वहां से हमने सोशल मीडिया को इतना हाईलाइट कर दिया जी तो लास्ट में जाकर के पब्लिक बोर हो जाती है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए हमें कितना परसेंट कब और कैसे उपयोग करना चाहिए इसका जी भी हम पेपर प्लान करते हैं पूरा। जी पर यह बात जरूर है कि वर्तमान में इस मीडिया के बिना जी आदमी की सफलता की संभावनाएं कम होती कम है। होती जाती है। बिल्कुल आवश्यक तो है, जी पर कब और कितना और कैसे ये समझना बहुत ये जरूरी है। समझना बहुत जरूरी है। जी निर्मल कासलीवाल जी, आपसे बातचीत करने का बहुत मन है, क्योंकि आपके पास जितना ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, और खासतौर पर उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम इस वक्त यही बात कर सकते हैं कि निर्मल कासलीवाल जी से बात करते हुए एक बात जरूर समझ में आई है कि चुनाव लड़ना आसान नहीं है, उसके लिए एक रणनीति की आवश्यकता होती है, एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है, ना सिर्फ प्लानिंग की बल्कि उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता होती है, एग्जीक्यूट के साथ बजटिंग की आवश्यकता होती है, और फिर फीडबैक की आवश्यकता होती है। यदि ये सब चीज़ें एक जगह पर होंगी, एक कागज़ पर होंगी, तो चुनाव जीतना बहुत आसान हो जाएगा, और उसके लिए निर्मल कासलीवाल जी एक मुफीद व्यक्ति, एक मुफीद रणनीतिकार हैं। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि।